टिकट एक जगह 4 लाख 5 लाख करने की व्यवस्था करें, वो सारा ऐसा कार्य नहीं करें, बाकी सारी चीज। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। आज की मीटिंग उसी संदर्भ में थी जो कल थी, आधे जिलों की हमने कल कर दी, बचे हुए जिलों की आज हुई। सारे जिलों के शिक्षा अधिकारी आए और शिक्षा अधिकारियों से हमने ये लिया भाई कितने सेंटर नए बनाने पड़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, छात्रों को वहाँ उन कमरों से डिस्प्लेस होंगे, वहाँ कितने उपलब्ध स्थान है, नहीं है तो नए उपकेंद्र बनेंगे, उनकी सूचना लेने के लिए उनको बुलाएं, उनकी कठिनाइयों को सुना है और उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी जाएंगे, आंसर बुक्स भी जाएगी और उसी हिसाब से कलेक्शन होगा। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकारी आदेशों की पालना करते हुए हम परीक्षाएं करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सभी शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया, उस पर चर्चा कर। सर, आज कोई विशेष निर्देश आपके द्वारा वही दिया गया मुख्य रूप से हमें के सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बच्चों को बिठाएंगे। अगर कोई बच्चा बीमार है या बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे बच्चों को परीक्षा में आप नहीं आने दें। कभी कभी बच्चा गलती से प्रवेश पत्र उसको स्थानांतरित किया उस जगह नहीं होकर अगर उसी सेंटर पर आ जाता है पूर्व वाले, तब भी आप उसको बिठा दें, छात्र हित को ध्यान में रखें और अगले दिन उसको उसी स्थान पर भेज दें जहां उसको अलॉट हुआ है। एक घंटा पहले अच्छा, दूसरा हमने परिवर्तन किया, वैसे परीक्षा में आधा घंटा पहले प्रवेश देते हैं, इस बार हमने 1 घंटा पहले छात्र प्रवेश कर सकेगा सेंटर पर, जिससे कि भीड़ में नहीं रहे और सैनिटाइजर का प्रबंधन होगा, साबुन सैनिटाइजर का हर केंद्र पर प्रबंधन होगा। सर, चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, भाई किस तरीके से उनको हमारा ये मैसेज है कि समय से पूर्व पहुँचे और मास्क लगा कर पहुँचे, मास्क गमछा जिस तरीके से भी हो, छात्र अपने मुंह को बिल्कुल बंद करके जाएं घर से ही, और वहाँ पहुँचने पर भी बंद रखे, आपस में दूरी बनाए रखे, जहाँ उसको उपलब्ध स्थान है वहीं पर बैठें, आपस में लड़के बात ना करें। अभी जो जिस तरीके का संक्रमण हो रहा है पूरे देश में प्रदेश में, जिस तरीके के आपको सब जगह से जो मिल रहा है फीडबैक या जो सूचनाएं उसको पालना करें। उसी संदर्भ में थी जो कल थी, आधे जिलों की हमने कल कर दी, बचे हुए जिलों की आज हुई। सारे जिलों के शिक्षा अधिकारी आए और शिक्षा अधिकारियों से हमने ये लिया भाई कितने सेंटर नए बनाने पड़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, छात्रों को वहाँ उन कमरों से डिस्प्लेस होंगे, वहाँ कितने उपलब्ध स्थान है, नहीं है तो नए उपकेंद्र बनेंगे, उनकी सूचना लेने के लिए उनको बुलाएं, उनकी कठिनाइयों को सुना है और उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी जाएंगे, आंसर बुक्स भी जाएगी और उसी हिसाब से कलेक्शन होगा। उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकारी आदेशों की पालना करते हुए हम परीक्षाएं करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम सभी शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया, उस पर चर्चा कर। सर, आज कोई विशेष निर्देश आपके द्वारा वही दिया गया मुख्य रूप से हमें के सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बच्चों को बिठाएंगे। अगर कोई बच्चा बीमार है या बीमारी से ग्रस्त है तो ऐसे बच्चों को परीक्षा में आप नहीं आने दें। कभी कभी बच्चा गलती से प्रवेश पत्र उसको स्थानांतरित किया उस जगह नहीं होकर अगर उसी सेंटर पर आ जाता है पूर्व वाले, तब भी आप उसको बिठा दें, छात्र हित को ध्यान में रखें और अगले दिन उसको उसी स्थान पर भेज दें जहां उसको अलॉट हुआ है। एक घंटा पहले अच्छा, दूसरा हमने परिवर्तन किया, वैसे परीक्षा में आधा घंटा पहले प्रवेश देते हैं, इस बार हमने 1 घंटा पहले छात्र प्रवेश कर सकेगा सेंटर पर, जिससे कि भीड़ में नहीं रहे और सैनिटाइजर का प्रबंधन होगा, साबुन सैनिटाइजर का हर केंद्र पर प्रबंधन होगा। सर, चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, भाई किस तरीके से बच्चों को हमारा ये मैसेज है कि समय से पूर्व पहुँचे और मास्क लगा कर पहुँचे, मास्क गमछा जिस तरीके से भी हो, छात्र अपने मुंह को बिल्कुल बंद करके जाएं घर से ही, और वहाँ पहुँचने पर भी बंद रखे, आपस में दूरी बनाए रखे,
जहाँ उसको उपलब्ध स्थान है वहीं पर बैठें, आपस में लड़के बात ना करें। अभी जो जिस तरीके का संक्रमण हो रहा है पूरे देश में, प्रदेश में, जिस तरीके के आपको सब जगह से जो मिल रहा है फीडबैक या जो सूचनाएं, उसको पालना करें। धन्यवाद।